नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान की स्थिति के पार्ट टू की चर्चा करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड से राजस्थान के कौन कौन से हिस्से बने हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और स्थिति में हम दो चीजों को समझेंगे, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है और राजस्थान की देशांतर स्थिति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ग्लोब को समझना आवश्यक है। अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए ग्लोब को समझना आवश्यक है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो ग्लोब में जो कि एक काल्पनिक रेखा है, 0 डिग्री पर जो रेखा खींची हुई है उसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सा है? भूमध्य रेखा है। और जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची हुई है इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध जो भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची हुई है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची हुई है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची हुई है उसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची हुई है उसे अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं विद्यार्थियों। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं के माध्यम से हम स्थिति का ज्ञान कर पाते हैं। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर खींची हुई है जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा खींची हुई है। 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका रेखा है। अब ध्यान रखना भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची हुई होती है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची हुई है इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इनके बीच की जो दूरी है, उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं विद्यार्थियों। और ध्यान रखना जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो रेखा खींची हुई है ये है ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री लाइन। और इस लाइन के समानांतर कुछ रेखाएं खींची हुई है उत्तर से दक्षिण की ओर, जो रेखाएं खींची हुई है इन्हीं रेखाओं को कहते हैं हम देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और जो भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई है उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो क्या देखा विद्यार्थियों आपने? यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, ध्यान रखना देशांतर रेखाओं की जो बीच की जो दूरी है
बीच की जो दूरी है इस दूरी को हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम किसी भी की भी स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। तो स्थिति का नाम लेते ध्यान रखना अक्षांश और देशांतर। अक्षांश जो है जो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची हुई है इनके बीच की जो दूरी है उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। जबकि देशांतर रेखा जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है इन रेखाओं के जो बीच की दूरी है इसको हम देखो ये बीच की दूरी ये वाली। जबकि अक्षांश के ये होगी बीच की दूरी जबकि देशांतर ये होगा। वैसे देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है लेकिन इनके बीच की दूरी ये वाली होगी तो इस तरफ जो रेखाएं आएंगी उनको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना विद्यार्थियों भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा तेज पड़ती है सीधी पड़ती है। जबकि अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड ज्यादा पड़ती है और जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या पड़ती है विद्यार्थियों ठंड पड़ती है। तो क्या देखा आपने? आपने देखा ये ग्लोब है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में विभाजित है और जो आपकी ये ग्रीनविच लाइन है ये भी इसको दो भागों में बांटती है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इन रेखाओं के माध्यम से हमने एक चीज देखी विद्यार्थियों। क्या देखी? वो देखी अब कई लोग बोलते हैं मैडम आपने ये बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं खींची होती है लेकिन इनके बीच की जो दूरी है विद्यार्थियों इनके बीच की जो ये दूरी है इसको हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतर जो आएगा वो इस तरफ से यूं आएगा जबकि अक्षांश की गिनती ऊपर से लेकर नीचे की तरफ की जाती है बाकी रेखाएं खींची जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस बात को आपको ध्यान रखना है ये जो लाइन है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइनें खींची जाती है इनके दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है इसको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। जबकि ध्यान रखना अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है और इनके बीच की जो ये दूरी है इनको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो लाइनें खींची हुई है इन रेखाओं के बीच की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है इनको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। तब ही बात है कि देखो विद्यार्थियों क्या बात है राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान आता है आपके कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अगर वृत्त की दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान आता है पूर्वी गोलार्ध में आता है उत्तरी गोलार्ध में आता है। जबकि भारत की स्थिति की तरफ देखें तो भारत की तरफ से राजस्थान आता है उत्तर पश्चिम की तरफ भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ आता है। और पृथ्वी के दृष्टिकोण से पूरे विश्व के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व की तरफ आती है। ध्यान रखना भारत की तरफ से उत्तर पश्चिम आती है जबकि भारत की तरफ से उत्तर पश्चिम आती है जबकि वर्ल्ड दृष्टिकोण से ग्लोब के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व आती है। आपने देखा ये उत्तर पूर्व है ये वाला जो एरिया है ये उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व वाले एरिया में आती है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की स्थिति की। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो बताया कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ध्यान रखना राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके में आने के कारण राजस्थान
गर्म इलाका है, उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। अगर बात करें अक्षांशों की, तो अक्षांश की अगर हम बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आपने कहा कहा होगा कि मैडम उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश क्यों आएंगे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो है ही नहीं, राजस्थान है ही किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। और ध्यान रखना गणना हमने नीचे से क्यों की, क्योंकि भारत यहां से 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहां से ऊपर 90 डिग्री है, तो यहां पर राजस्थान की स्थिति है। इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान की स्थिति है। तो ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है विद्यार्थियों, और इस तरफ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना हमारा जो राजस्थान है वो है 69 डिग्री की अगर हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इस तरफ की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है क्या 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसकी स्थिति है, किसकी, राजस्थान की। ध्यान रखना 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, ये देखिए आप यहां पर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान की स्थिति है। और इसमें कौन से गांव है, ध्यान रखना राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी जिला है उस जिले का नाम है बांसवाड़ा, और ये 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा का सबसे जो निचला गांव है उस गांव का नाम है कुशलगढ़। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से गंगानगर का कोणा गांव, कौन सा गांव, गंगानगर का कोणा गांव तक राजस्थान की सीमा स्थित है और इसकी अक्षांशीय स्थिति है। इसके अलावा अगर हम देशांतरीय रेखाओं की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान की स्थिति है। और यहां पर आपका जैसलमेर है, कौन सा है, जैसलमेर है, और जैसलमेर का कौन सा है, कटरा गांव, कौन सा है, जैसलमेर का कटरा गांव। और इधर आपके पूर्व की तरफ आता है धौलपुर, क्या आता है, धौलपुर आता है, और धौलपुर का गांव है विद्यार्थियों सिलोर। ये है आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। क्या देखा कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान की स्थिति है। गंगानगर के कोणा गांव से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तक इसकी सीमा है, किसकी सीमा है, राजस्थान की सीमा है। और अगर हम जैसलमेर की तरफ अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जैसलमेर की तरफ अगर हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्व में धौलपुर का सिलोन गांव, जैसलमेर का कटरा, गंगानगर का कोणा गांव और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ गांव में इसकी सीमा है। बात करें लंबाई की तो ध्यान रखना
उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 869 किलोमीटर। ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है 869 किलोमीटर। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि 23.5 डिग्री ये यहां पर कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर की थोड़ी सी सीमा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? और कर्क रेखा। और यहीं पर हमारे एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी, और राजस्थान में जो माही नदी बहती है उसको दो बार काटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है इसको दो बार क्या करती है? काटने का कार्य करती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को दो बार काटने का कार्य करती है। विद्यार्थियों अब ध्यान रखना, ये जो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में है, इस लंबाई है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर है। और यहाँ पर 21 जून को जहां पर कर्क रेखा सीधी गुजरती है, यहां पर 13 घंटे, कितने घंटे? 13 घंटे और 27 मिनट, 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है। और राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो 21 जून है उसे हम कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो आपका अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री, कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में डिफरेंस है 7 डिग्री 9 मिनट का, और आपका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में डिफरेंट है 8 डिग्री 47 मिनट का। इस बात को आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, और जो रीट आने वाली है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और सबको आना भी चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इजी जो टॉपिक माना जाता है। और ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक बार इसको देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ उसमें से क्वेश्चन कौन सा पुटअप होता है। ध्यान रखना है, जो ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना राजस्थान के दक्षिणतम बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में जो कर्क रेखा है वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और 21 जून को कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच डिफरेंस 8 डिग्री 9 मिनट का है, जबकि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 8 डिग्री 47 मिनट का। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व के बीच की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर के मध्य है। अब इसमें से जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो कैसा है, ध्यान रखना। अब सबको पता है कि राजस्थान की क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया। सबको पता है क्या, हम याद क्या करते हैं? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तथा 69 डिग्री
12 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये याद करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश कभी नहीं आएगा, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश जिसमें है उसी को टिक करना है। 69 डिग्री 12 मिनट में पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही याद करना है, पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा। क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा, क्योंकि भारत भारत नहीं, राजस्थान भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए पूर्व से पूर्वी देशांतर, उत्तर से उत्तरी अक्षांश ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन पुटअप होगा उसमें आपको घुमाएगा। और कई बार आरपीएससी में क्वेश्चन पुटअप हुआ है क्या कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश करना है। ध्यान रखना 69 डिग्री 12 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जा सकता है, एक आपसे पूछा जा सकता है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम जिले से होकर के गुजरती है, ये चीज ध्यान रखनी है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को क्रॉस करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर है। और ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट से आपका 23 डिग्री 30 मिनट का जो अंतर है वो कितना है? 27 मिनट का। कितना है? कर्क रेखा और आपका जो अक्षांशीय बिंदु है उनके बीच में डिफरेंस 27 मिनट का है। आगे के वीडियोस में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आप चाहते हैं कि आगामी जो रीट का एग्जाम होने वाला है, पटवारी का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप मेरे नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। आगे के अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।